आपको पता वो आदमी फोटोग्राफर बनता तो बचपन से ही दूसरे को घरों में ताक झांक रखता है। नहीं ये कमाल के होते हैं साहब। आपने देखा होगा इनको शादी में जरूर बुलाया जाता है, वहां भी ये अपना चमत्कार दिखाते हैं। दूल्हे के फोटो तो दूर दूर से खींचेंगे और दुल्हन को बिल्कुल अपने सामने कुर्सी में बैठा और फिर कहेंगे मेरी तरफ देख के मुस्कुराओ। ये कमाल है। जब ये कई तरह के पोज ले लेंगे तो दूल्हे का बापू कहेगा मैं फोटोग्राफर क्या कर रहा है, फिर ये कहेगा आप चुप रहो जी मैं दुल्हन को सेट कर रहा हूं। कमाल क्या। लेकिन एक एक बात गजब की साहब, ये हमारी कितनी यादों को सहेज के रखने में हमारा सहयोग की बात। वो एक पप्पू अपनी मम्मी की शादी के एल्बम उठा लिया है, पलट पलट के दिखा रहा था फोटो। उन्होंने कहा मम्मी ये जो बालों वाला आदमी है ये कौन है जो तेरे साथ बैठा है। बोले बेटा पहचाना नहीं, ये तुम्हारे पापा है। बोला ये मेरे पापा तो फिर ये घर में गंदा आदमी कौन रहा है। तो जब ये फोटो खींचते हैं जब तो बाल होते हैं, बाद में तो बाल सपाट हो जाते हैं, क्योंकि शादी शुदा आदमी आपको बताऊं कौन होता है, जो शादी के बाद शुद्ध हो जाता है वो शादी शुदा। अच्छा बालों का क्या है साहब, देखो जीवन में दो महिलाएं सर पे हाथ फेरती हैं, एक तो माँ जिन्हें माँ शेरों वाली कह लो, एक दूसरी माँ हो जो फेरों वाली माँ हो। जब माँ हाथ फेरती है तो बाल लंबे घने और काले नए नए मुलायम आते हैं, और जब फेरों वाली हाथ फेरती है तो ऐसा हो जाए जो कुरुक्षेत्र का मैदान हो रहा है। नहीं ऐसे होता है। अच्छा मेरे साथ तो कई ऐसी घटनाएं होती है साहब, मैं बताऊं। एक बार मैंने चंडीगढ़ कवि सम्मेलन में गया, एक सरदार जी मिल गए, पूछने लगे मुंडा तू क्या करता है। मैंने कहा जी मैं अध्यापक हूं। बोले अध्यापक, तू अध्यापक तो नहीं लगता। मैं क्या लगता हूं? बोला तू अध पका लगता है। एक दिन तो चमनप्राश की कंपनी वाले मेरे घर आ गए, कहने लगे मास्टर जी चमनप्राश के ऐड कर दो, हमारा चमनप्राश खूब बिकेगा। मैंने कहा भैया मुझे करना क्या है? बोले आपको कुछ नहीं करना, हम आपका फोटो खींचेंगे और हर एक चमनप्राश के डिब्बे पे चिपका देंगे, नीचे लिख देंगे चमनप्राश दिखाए तो इसे हो जाओगे। अच्छा कुछ अजीब घटनाएं होती है, आपने देखा होगा शादी होती है, शादी में फेरे होते हैं, फेरों पे हमेशा पंडित जी दुल्हन का हाथ दूल्हे के हाथ में दे हुआ है। लेकिन मेरे साथ पंडित जी ने उल्टा किया, मेरा हाथ पकड़ के दुल्हन के हाथ में दे दिया। मैंने कहा पंडित जी ये क्या किया? बोला चुप रह अब यही तेरी रक्षा करेगी। एक बार जोरदार भोजन। वैसे जिन्होंने बजाई वो ठीक है, कईयों ने तो बजाई नहीं। मैंने कहा भाई साहब बजाई क्यों नहीं? बोला तेरी क्या बजावा, तेरी तो भगवान ने बजा रखी। ऐसी ऐसी वीडियो बनाई हो जाती है। अभी पिछले दिनों पत्नी अखबार पढ़ रही, बड़ी खुश हो रही। मैंने कहा खुशी की क्या बात है? बोला मौज होगी। वो क्या की मौज होगी? बोली सरकार ने विधवा पेंशन 2000 रुपये कर दी। उसके बाद मेरी तरफ कड़ा कड़ा देखने लगा, ऐसे क्या देख रही है? बोली तू तो 1000 रुपये महीने का नुकसान कर रहा है। भाई साहब आज पैसे पर घर में ये बात बताना मत। और ये तो 2000 रुपये है, जब मेरे ख्याल में 2-1 लाख रुपये कर दे तो रोज आदमी कटता है घर में। नहीं हो सकता ये, खेच ले तो भी खेच ले। वैसे मैं तेरी यादाश्त के लिए बताऊं, मेरा रंगीन कैमरे से भी एक्सरे आता है। नहीं तो कमाल के साहब, इनसे कौन जीत पाया। अच्छा कई और भी घटनाएं होती है, ये भाई साहब देखना। हमारे डॉक्टर जोगिंदर मोर नाम आपने ध्यान से देखिए, डॉक्टर जोगिंदर मोर। पहली बात से पता लगता है अगला डॉक्टर है, दूसरी बात से पता लगता है नाम जोगिंदर है, और तीसरी बात से ये पता लग जाता है डॉक्टर है क्या का। वकील साहब है। एक दिन ये तो अपने चैंबर में बैठे, इनके पास एक मारे हरियाणा का बुड्ढा आ गया।
बोला वकील साहब क्या क्या केस ले है, बताऊ मैं सब क्या एक केस ले लू, न बोला फिर एक डिलीवरी का केस लेगा और इस बात से चैंबर छोड़ के आग लगे थे प्रोफेसर आगे, क्योंकि वकीलों के साथ ऐसा ही होता है, कोई हो तो बुरा मत मानना। वकील जज साहब से बहस कर रहा, ताऊ का कोई मुकदमा चल रहा, ये वो वकील बहस करता करता पीछे से खाल करने लग गया, तो ताऊ ने बोला वकील तो आगे ना बहस कर ले खाल तो मैं भी कर दूंगा तेरा, तुम्हारे हरियाणा का आदमी कहीं नहीं चुकता था, इनका तो बड़ा ही अच्छा वो रहता है। अच्छा हरियाणा का आदमी हो कितना दिमागदार मैं बताता हूँ, वो एक रेल के नीचे आदमी कट गया, उसका धड़ इधर पड़ा, गर्दन परली साइड में पड़ी, भीड़ इकट्ठी हो गई, तो हरियाणा की गुड़िया आ गई, अरे हटो एक बार मन भी देखने दो, हटो हटो, वो सारे हट लिए, एक बार की बात है, पहले तो उसके धड़ का धोरे गई, फिर उसकी गर्दन देख के आई, फिर ने बोली पतना सह तो उसके कितनी देर जिंदा रहना, मतलब क्योंकि कई बार व्यवस्थाएं खराब हो जाती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नहीं, बेशक क्योंकि आपका एक मंच है और सब लोगों ने हमें यह मौका दिया है, और एक बार सबकी हम देखो आगे वाले तो दिखाई देते रहते हैं, उनसे तो मैं समझ जाता हूँ, पर पीछे वाले डरे ना मारो लाग जाते बढ़िया बात, इनसे घबराना चाहिए, अब नहीं आदमी ने पीछे का दिखोलना चाहिए। ये कई बार ऐसा हो जाता है, आप जो है ना मैं एक स्कूल में पढ़ाता हूँ जी, अभी मेरी बदली होगी, मैं दूसरे स्कूल में चला गया, तो सारे स्कूल के बच्चों ने शोर मचाया, नया मास्टर आ गया, नया मास्टर आ गया, अब दो तीन लंबे लंबे बाल थे वो बारहवीं वाले, ने बोला अरे चुप रहो नया मास्टर को नहीं साइंस रूम का सामान आया क्योंकि बड़ी वीडियो बनाई होती है साहब, बच्चों से निपटना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आजकल तो बच्चे पैदा ही नहीं होते, मुझे लगता है पिचानवे के बाद सीधे बाप पैदा हो रहे हैं, क्योंकि मैंने देखा कई आदमी हाथ जोड़ के अपने बच्चे का कहे अरे मेरे ये बाप मान जा, तो जो बच्चे हाथ जोड़वा लेते वो बाप है बेटे का है, तो सर मांग रहे हो ना, हाँ आपके साथ हरकत हो गई, चलिए मैं आपको हरियाणवी रचनाओं से थोड़ा जोड़ता हूँ। मेरी जो पहली कविता है वो है प्रेम पत्र बनाम एप्लीकेशन। एक नौवीं क्लास के छोरे ने दसवीं की छोरी तक प्रेम पत्र पकड़ा दिया, एक नौवीं क्लास के छोरे ने दसवीं की छोरी तक प्रेम पत्र पकड़ा दिया, और छोरी ने छोरा उड़े खड़ा खड़ा थपड़ा दिया, फिर वो प्रेम पत्र वो छोरा लेके पीटीआई मास्टर को पकड़ा दिया, अब तो पीटीआई मास्टर को बड़ा गुस्सा आया, लड़के को जोर से धमकाया, पर जब प्रेम पत्र खोल के पढ़ा मन मन मुस्काया, बोले छोरी देख तने खाम खाई छोरे की घंटी ले राखी से, बिचारे ने तेरे तक फीस माफी की एप्लीकेशन दे रखी, यह सुनते छोरा घबराया, उसका एकदम पसीना आया, बोला जी तोर बिचारा काटेगा, इमने हेडमास्टर काटेगा, इनका ऐसा लगे से मेरा काल आ लिया, जब फीस माफी की एप्लीकेशन या ले रही से तो प्रेम पत्र हेडमास्टर देना जा लिया। मेरी बैत ने पकड़ा है, थोड़ा हाथ जोड़ के बोला जी मैं इस कारण आपकी बैत कर चिपट रहा हूं, प्रेम पत्र पर तो मैंने दुनिया पिटती देखी, आज मैं एप्लीकेशन पे बैठ गया। और मैं आपको एक रचना अपने हरियाणवी परिवेश की सुना रहा हूं, कि एक मतलब मुझे लग रहा है मैंने कोई रचना अपनी कलम से लिखी तो इससे अच्छी मेरी कोई रचना नहीं है, क्योंकि हरियाणवी परिवेश को जिंदा रखने की जो हमारा प्राचीन जो है पहनावा था उसके ऊपर मैंने एक कविता लिखी है, मेरी दादी का घाघरा, और हरियाणा में वो कितने गज का होता था, कितना कपड़ा लगता था, इस कविता के माध्यम से मैंने उजागर किया है। तो मैं तो कहता हूं अगर हरियाणा में कभी
हरियाणा का अलग राष्ट्रीय गान बनाया जाएगा, तो ये मेरी कविता हरियाणा का राष्ट्रीय गान बना। मेरी दादी का घाघरा पहना होकर देखिए कि मेरी दादी का घाघरा माँ की संदूक में धरिया है। दादी ने मरी न 12 साल हो गए, घाघरा आता ही नहीं मरिया। माँ जब भी मामा के यहाँ जावे से यो घाघरा बड़ा काम आवे से, माँ 2 मीटर कपड़ा इसे मत पढ़ लीजिए। घर के जितने छोटे बड़े रुमाल थे नू समझ लो सब घाघरे के कमाल थे। मारे घर में 3 गुदड़ी से और 3 गुदड़ी दादी के घाघरे ने घड़ी। सारे जहां से अच्छा है मेरे बड़े भाई और एक पजामा कच्चा है। उस कच्चे पजामे के मारे सारे पड़ोसी फैंस है, वो कच्चा पजामा भी दादी के घाघरे की देन। फिर मैं धोरे सूट से बापू धोरे कमरी से, तुमने और क्या बताओ मेरी बुरसेट के घाघरे माता ऐसे मरी। इब क्या बापू सरपंच बने तो चले बटे, माने घाघरे माता पर 100 झंडे बटे। मेरी दादी के घाघरे ने माँ की कदर बढ़ा रखी है, माँ ने 2-4 मीटर कपड़ी को डाल सारे पड़ोसी हफ्ते डाल रखी। मेरी दादी का घाघरा माँ की संदूक में धरिया से है, जब थम ने भी कुछ बनवाना हो तो बनवा लियो, इस पर तो घाघरा 50% भरिया से। मेरी दादी का घाघरा माँ की संदूक में धरिया से है, दादी ने मरी 12 साल हो गए, घाघरा आता ही नहीं। तो ये थे आपके बीच में हमारे मास्टर महेंद्र जी। दोस्तों,